नमस्कार, मैं अनीश आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास डीटीपी जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर डीटीपी स्टार्ट कीजिए। तो जो बच्चे आज हमारे इस क्लास से जुड़ रहे हैं उनके लिए इंट्रो मैं बता दूं कि डीटीपी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है और ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। डिज़ाइनिंग पर्पज़ से आप इस कोर्स को करके स्टूडियो का काम कर सकते हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, स्कूल का आई कार्ड वगैरह बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, शादी का कार्ड बना सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हैं, ढेर सारा काम आप कर सकते हैं। और इस चैनल से आप जुड़े रहें और मैं आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँगा कि कैसे इस पर काम करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फ़ोटोशॉप से और फ़ोटोशॉप में हम पढ़ चुके थे, ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, ये इलिप्टिकल टूल है, ये सब मैं आपको बता दिया था। लेकिन मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करने का कोशिश करता हूँ। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ फिर से। ओके, क्षमा चाहते हैं, थोड़ी सी विलंब हो गया क्योंकि कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। और चलिए तो एक बार जूम करके हम आपको बताते हैं। हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे ये जो हमारा है रेक्टेंगल मार्की टूल, इसका काम होता है कि रेक्टेंगल बनाना। इलिप्टिकल मार्की टूल का काम होता है आप इलिप्टिकल यानी कि सर्कल वगैरह बनाना हो, इलिप्ट बनाना हो तो आप बना सकते। सिंगल रो का मतलब होता है सिंगल लाइन आपको देना हो हॉरिजेंटल, और ये वर्टिकल लाइन आप दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पढ़ा दिया था ये लासो टूल होता है, पॉलीगन लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। जो बच्चे ये वीडियो आज देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पिछला क्लास देख लें तभी समझ में आएगा, और उसको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। ये मैजिक वन टूल, इतना तक मैं पढ़ा चुका था उस दिन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगो कैसे बनाएंगे। अब देखिए जितना पढ़ें उसी पे हम काम करना आपको बतलाते हैं कि काम आप कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। पेज लेना भी मैं आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, जो बच्चे नहीं देखे हैं उन पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। और यहाँ पे आप माउस पॉइंटर में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए ये बैकग्राउंड हमारा लॉक है। पहले यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि बैकग्राउंड को ओके करना है, ओके कर लीजिए। आप वापस आके देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड आपको जीरो दिखेगा, है ना, इसका मतलब है कि मेरा बैकग्राउंड का लॉक कंप्लीट है, अनलॉक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब चलिए ये पेज लिए। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बीच में मैक्सिमाइज कर लेंगे पेज तो मेरा बड़ा होगा, और कंट्रोल प्लस बटन दबाने से जो ये मेरा पेज है ये पेज मेरा बड़ा होगा। आपको मैं आज बता रहा हूँ रीबॉक का जो आइकन है वो आइकन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें कंट्रोल प्लस आर बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, रूलर आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, एक बार जूम करके भी दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ये जो है यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, रूलर है। आप और इधर भी आप साइड से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे पेज पे रूलर को सेट करें तो आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से हम माउस ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ेंगे एकदम पेज के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ से जीरो आ गया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ऐसे हम काम करते हैं। आप चाहें तो अब देखिए रूलर हमारा सेट हो गया 0 0 यहाँ से। आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक ग्रिड लाइन को भी ले सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके ले आइए, आ गया। फिर यहाँ से भी आप चाहें तो ग्रिड लाइन को ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ इधर इस
आप चाहें तो यहाँ से फिर रूलर को ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करके हमारा जो एंड एरिया है, इस एंड एरिया को हम ड्रैग करके जहाँ मन हम वहाँ स्पेस को रख सकते हैं, इसको आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर में आ गया। देखिए आपको यहाँ पे पेज के लास्ट में रखना है, तो पेज के लास्ट में रखेंगे। हम 7 इंच का पेज लिए थे, तो 7x7 का आ गया हमारा, 7x5 का आ गया। ठीक है, अब चलिए काम कैसे करना है। अब आपको हम बताए थे यहाँ पे पॉलीगन लासो टूल, इसका मतलब होता है कि आप अपने इच्छा के अनुसार जैसा ड्राइंग बनाना चाहें आप वैसा ड्राइंग बनाएंगे। अब आप देखिए, सपोज़ मेरा, हम आपको आज रिबॉक का लोगो आपको बताते हैं कि रिबॉक का लोगो कैसे बनता है। देखिए यहाँ से थोड़ा इसको प्रेस करेंगे, फिर इसको वर्टिकल लेंगे हम। ठीक है, वर्टिकल ले लिए, देखिए ये गायब हो गया। ऐसे अगर हो ना, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ से एंटी अलाइन्ड को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से न्यू सेलेक्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर से आप शुरू कीजिए। अब आपको उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये मेरा ये आ गया। अब यहाँ से न्यू लेयर में चलेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू लेयर, जैसे आप माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखेगा न्यू लेयर, लेयर पैलेट के नीचे में। इसको हम यहाँ से बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। अब यहाँ पे देखिए न्यू लेयर है, न्यू लेयर में चलिए, यहाँ से कलर ले लीजिए। सपोज़ हमको रेड कलर लेना है, ठीक है ना, तो रेड कलर हम इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे, और कंट्रोल बैक स्पेस से इसमें कलर डाल देंगे। कंट्रोल डेल से, सॉरी कंट्रोल प्लस डेल बटन आप दबाएंगे तो इसमें क्या होगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, कलर आने के बाद ये हमारा बन गया। अब वापस हमको इसको थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना, इसको बड़ा कीजिए, थोड़ा और बड़ा कीजिए। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से हमको वापस एक लेना है, सपोज़ मानिए ये, फिर हमको लेना है सपोज़ मानिए ये, है ना, फिर हमको इस पॉइंट से इसको इसमें मिला देना है, और वापस यहाँ ले आके जैसे आप जाएंगे क्लिक कर देना है। तो ये पोर्शन मेरा सेलेक्ट हो गया, इस पोर्शन को सेलेक्ट हो गया, फिर एक नया लेयर लेंगे, और नया लेयर लेके इसमें हम कंट्रोल और डेल बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्शन मेरा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या हुआ, एक पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वापस हमको ऐसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेयर वन है और लेयर टू है, तो बच्चे एक कंट्रोल प्लस ई होता है, उसको बोलते हैं मर्ज डाउन। एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, या आप लेयर मेनू में जाएंगे और लेयर मेनू में यहाँ पे है मर्ज डाउन, तो कंट्रोल ई, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों लेयर एक हो जाएगा आपका। अगर दो लेयर को हमको एक साथ जोड़ना है तो हम कंट्रोल प्लस ई या लेयर मेनू में जाके मर्ज डाउन पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो उसे क्या होगा, हमारा अगला लेयर बन के तैयार हो जाएगा। अब हमको चाहिए ठीक इसका एक नया पेज, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना, इस ऑब्जेक्ट का अगर डुप्लीकेट चाहिए तो क्या करेंगे, अल्ट बटन को प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा नया आ जाएगा। अब थोड़ा सा जूम को हम कम करते हैं। अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, घुमाना है तो क्या करें, कंट्रोल प्लस टी होता है, कंट्रोल टी को हम और बेहतरीन ढंग से बताएंगे, लेकिन अभी आप देखिए पहले हमको इसको घुमाना है, तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे एकदम सीधा। ठीक है, इंटर मार दीजिए, और वापस आप इस पॉइंट को यहाँ से लेके आइए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको हम। ठीक है ना, इंटर मार दिए। अब हमको इसका एक पॉइंट और चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर इस, अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सारा लेयर हो गया, लेयर वन लेयर टू हो गया ना, हमको सपोज़ ये लेयर पे काम करना है जिस पे हम पॉइंटर को घुमा रहे हैं, ये इसका डुप्लीकेट चाहिए,
तो वहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जिस लेयर में वो ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेयर वन आ गया, फिर अल्ट के साथ हम प्रेस करेंगे और इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल टी करना है और कंट्रोल टी करके इसको क्या करना है, सीधा घुमा देना है, कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टिंट करेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ लाएंगे, ठीक ना, देखिए। ठीक है, फिर वापस हम इसको थोड़ा सा इसको भी टिंट करेंगे हल्का, ताकि दोनों के बीच का संतुलन बना रहे। ठीक है ना, और हल्का, और आप इसको चाहें तो हल्का और घुमा सकते हैं ताकि आपका डिज़ाइन बहुत सुंदर बने। और यहाँ से ले लीजिए इसको, फिर इस पे आते हैं, ये ऑब्जेक्ट पे लेयर कॉपी वन आ गया। फिर इसको कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको भी और रोटेट करेंगे हल्का, है ना, रोटेट कर लिए। और यहाँ पे हम इसके साथ इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, अब इसको डाउन कीजिए, देखिए बच्चे ये रिबॉक का लोगो हमारा तैयार हो गया। देखें, तो इस ढंग से आप बेहतरीन लोगो बना सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो कि ये रिबॉक का लोगो है तो आप गूगल में जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ से टी, बट टी से टाइप होता है, आप लिख सकते हैं RIBOCK रिबॉक। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि हमने क्या लिखा है। अब देखिए यहाँ पर रिबॉक, यही होता है ना स्पेलिंग, आर डबल टी कर लीजिए रिबॉक। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, एक लोगो बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप जो चाहें जैसा चाहें, फोटोशॉप क्या है, क्रिएटिविटी होता है और कंप्लीट क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब तक आप में क्रिएटिविटी नहीं होगा आप कोई डिज़ाइन नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोगो कैसे बनता है। देखिए, सिर्फ हम ये टूल की मदद से लोगो बनाए हैं, है ना। अब कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक कर देंगे। मूव टूल पे क्लिक करने के का मतलब है कि हमारा, हम बिल्कुल फ्री हो गए, हम जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब सपोज़ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करना भी देखिए। यहाँ पे फाइल मीनू है, चलिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे फाइल मीनू में चलेंगे, फाइल मीनू में जाने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। सपोज हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे माय फर्स्ट लोगो, है ना, इंटर मार दीजिए तो आपका ये। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये PSD फाइल हमारा बन के तैयार हुआ है। PSD फाइल मतलब आप इसको कहीं दूसरे जगह नहीं खोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको JPG बनाना चाहते हैं ताकि आप इसको WhatsApp पे भेज सकते हैं, आपने कोई प्रोफाइल में लगा सके, उसके लिए आपको क्या करना होगा, JPG बनाना होगा, जो कि हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।